हेलो फ्रेंड, मैं हूं अनूप सेमवाल और अभी हम हैं विकास खंड फकोट जो नरेंद्र नगर के पास में है। दिनांक 16 तारीख सोमवार के दिन यहां पे वज्रपात हुआ है। विकास खंड के पीछे गिरा वज्र और इससे काफ़ी नुकसान हुआ है विकास खंड को। कंप्यूटर से लेकर मोटर से लेकर और सोलर प्लांट दोनों थे जो ब्लास्ट खराब हो चुके हैं, ब्लास्ट मतलब ब्लास्ट हो चुके हैं वो, और काफ़ी सारा नुकसान हुआ है यहाँ पे। आइए देखते हैं वीडियो अंदर क्या क्या नुकसान हुआ है। भाई, आप उस दिन जिस दिन वज्र गिरा है उस दिन आप यहीं पे थे ना? मैं उस समय यहीं पर था और उसमें जब बजर गिरा तो ऐसे चमक आई कि जैसे दूर से चमक आती है। और मेरी घरवाली उस समय बाहर जा रहे थे, उस समय जो है वो बेहोश हो गई है और भयंकर बेहोश होकर उठा के ले गई। जब आवाज़ आई तो इतनी भयंकर आवाज़ आई कि जो सुने कान भी बंद हो गए, आंखें भी बंद हो गई। ऐसे इसके बाद भी पता चला कि ये ब्लॉक ही फील्ड में ये बजर गिरा है जिसके जो है वहाँ पर गड्ढा पड़ा। ऑफिस का कुछ नुकसान हुआ है? ऑफिस का बहुत नुकसान हुआ है क्योंकि बिजली के सारे ये तार, जो है ये सारा हाँ ये सारा खत्म हो गया। ये और खत्म हो गया? कैसी आवाजें कर रहा है ये? यहाँ ये भी खत्म ये हो गया, सिस्टम पूरा उड़ चुका उड़ है, चुका इसने है पूरा यहाँ पे ब्लास्ट करा। और ये इसे इसका सिस्टम है जो ब्लास्ट होकर नीचे गिरा हुआ है, ये बैटरियाँ अभी काम नहीं कर रही हैं। ये देखे पूरा सिस्टम, पूरा तार जाल जला दिया है। और ये बिजली विभाग ने जोड़ी हुई लाइन है, अभी उन्होंने जोड़ी ये है, थोड़ी टेम्परेरी केबलों ने जोड़ जोड़ी रखी है। उन्होंने ताकि जो है बीडीसी है, पर बीडीसी में जो है कि थोड़ा हाँ मैट आ जाए इसके जो उसमें जो है कि वो टेम्परेरी जोड़ा है। ठीक है, अभी जो है कहीं कंप्यूटर जल गई है, कहीं वो जल गई है, कोई जो है अभी बहुत तो नुकसान बहुत हुआ सब हो गया। सिर्फ मैं आ गया, वीडियो में बताता हूँ कि क्या क्या जला है, आप बताएं मुझे। चलो, हाँ जी भाई, कहाँ पे गिरा वो बजर? यहाँ पर गिरा था वो बजर, ये यहाँ पर देखे गिरा भाई, था, यह गड्ढा बना हुआ है ये देखो, बहुत बड़ा इसमें गड्ढा हो रखा है। अभी छेद था इसमें, छेद था इसमें छेद मिट्टी से धस गया नीचे। पर यह है कि बात वो इस जगह पे, इस अच्छा जगह से आया और इधर से जो है चमकता हुआ दिखाई अच्छा दिया। इधर सामने कसमोली से? हाँ, कसमोली से वो चमकता हुआ दिखाई दिया। अच्छा अच्छा अब उस ठीक समय है। नजर भी बंद हो गए थे, उस हाँ समय जो आंखें भी कान जो है सुन्न हो गए थे। अच्छा अच्छा यह समय होगा। ठीक है भाजी, धन्यवाद। ये यह देखिए भाजी, ये हो बैटरी भी ब्लास्ट हो चुकी है। चुकी है, ये देखे भाई, ये बैटरी में ब्लास्ट हुई है और ये तो सिस्टम उड़ गए हैं सारे 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 सिस्टम सिस्टम उड़ गए हैं। और ये देखे, ये भी ब्लास्ट हुआ है, ये पूरा खुल रहा है यहाँ से, ये पूरा हो सिस्टम खुल रहा है। ये देखे, ये पीछे से पूरा ख़त्म हो चुका है, ये सिस्टम पूरा उड़ चुके हैं भाई। ये पानी की मोटर है, ये भी दूसरी टेम्परेली लगा रखी, ये भी पूरी ब्लास्ट हो चुकी है थी, क्योंकि बीडीसी थी हमारे यहाँ बैठक, तो इसमें टेम्परेली लगा रखी है, लेकिन ये भी काम नहीं कर रखी है, रिपेयर के लिए जा रखी है, क्योंकि ये भी पूरी ख़त्म हो चुकी थी मोटर। ये पूरी वायरिंग जल गई थी, पूरी नई वायरिंग डाली। क्या क्या खराब हुआ? यहाँ पर जो है ये सारी मशीनें थे ये ये देखिए, ये खराब कंप्यूटर हो सारे गए, ब्लास्ट ये हो चुके, भी ब्लास्ट हो ये सारा गया, उखड़ ये गया सारे है, जो है ये सारे जो ये है चीज़ें ये सारे सारे ब्लास्ट हो चुकी, ब्लास्ट हो खराब हो चुके चुकी हैं। हैं। ये भी जो है ये सारे जो है सिस्टम जो है ये इन्वर्टर भी वो खराब हो गए खराब हो हैं गए, इनकी और बैटरी भी काम नहीं कर रही है। ये मशीनें भी सारे काम नहीं कर रही हैं अभी, देखो हाँ, अभी ये मशीनें भी काम नहीं कर रही हैं, ये भी ये। सारे जो है कि वो हो रखा है सारे जो है। अच्छा भाई जी, ये दोनों सोलर प्लांट जो हैं सारे खराब हो चुके हैं? दोनों सोलर प्लांट जो है वो खराब हो चुके हैं, जिसमें अच्छा, जो है बाकी इधर के कंप्यूटर? इधर के कंप्यूटर भी खराब हो रखे हैं। एक तो ठीक है, अच्छा ये वाला भी खराब हो चुका है। ये भी खराब हो चुका है। और ये वाला भी खराब हो चुका है ना? ये भी खराब हो चुका है, ये सारा सिस्टम ये खराब सारा हो सारा चुका, सारा सिस्टम ये खराब हो और सिर्फ एक एक ही बचा ही ये वाला ना, ये वाला बचा हुआ है खाली, सिर्फ एक स्वान स्वान सेंटर का है ये अपना स्वान सेंटर का कंप्यूटर, कंप्यूटर ये बच गया ये है। बच गया। ये है विकास खंड की कैंटीन, और जिस दिन वज्र गिरा तो यहाँ पर देखिए क्या नुकसान हुआ, पंखे कई तार जा तार टूट सब टूट चुके हैं। ये देखिए,
नुकसान हुआ, पूरे ख़राब हो चुके थे। ये नए तार वायरिंग करी अभी दुकान वाले ने, और ये देखिए पंखा भी नीचे गिर गया था, और ये सामने रखा हुआ पंखा, ये बहुत सारा नुकसान हुआ है यहाँ पे, ये देखिए। भाई ये है सोलर प्लांट की प्लेटें, ये क्योंकि इस पर अर्थिंग हो रखी है इसलिए थोड़ा प्लेटों पे कम असर हुआ है। ये अर्थिंग की वायर है जो सीधे नीचे जा रखी है, यहाँ नीचे जा रखी है अर्थिंग की वायर जो ज़मीन में नीचे गड्ढे के अंदर है। और ये हैं सोलर प्लांट की प्लेटें बहुत सारी, जो कि अभी ये प्लेटें अभी जो हैं सुरक्षित हैं। ये है हमारे स्वान सेंटर का सोलर प्लांट, ये देखेंगे इसमें दूर से क्योंकि हम छत में जा नहीं सकते, तो देखो इसकी तार तूर सब निकल चुकी है, और जो इसको रोकने की क्षमता थी वो एक खम्भा गिर चुका है अर्थिंग वाला, वो पहले टूट चुका है जिसकी वजह से वहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ है।